आज फिर हम एक सच कहानी लेकर आपके साथ में हैं, जिसमें हौसला है, जज्बा है, जज्बात है और साथ है लक्ष्य। जी हाँ, ये लक्ष्य की जहाँ बात करते हैं तो बात आती है सिर्फ और सिर्फ दीपिका की। जी हाँ, भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी का सिलेक्शन 2016 ओलंपिक गेम्स के लिए हो चुका है और देश को पूरी उम्मीदें उनसे है कि वो इस बार रियो ओलंपिक के अंदर देश का नाम रोशन करेगी। आज स्टार तीरंदाज बन चुकी दीपिका के पास एक वक्त पर इसके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 10 रुपए भी नहीं थे। पैसे की तंगी के चलते दीपिका कुमारी बांस के धनुष और बाण से तीरंदाजी की प्रैक्टिस किया करती थी। एक बार दीपिका ने तीरंदाजी कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए अपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर पिता से 10 रुपए मांगे। दीपिका के पिता के पास उस वक्त 10 रुपए भी नहीं थे, हालांकि बाद में उन्होंने कहीं से दीपिका को 10 रुपए ला कर दिए। आज बेटी के स्टार बन जाने के बाद भी उनके पिता साधारण जीवन जी रहे हैं, वहीं माँ जो कि एक नर्स है उनका रहन सहन भी बिल्कुल सामान्य है। बचपन में दीपिका अपनी माँ के साथ कहीं जा रही थी, दीपिका की नज़र पेड़ पर लगे एक आम पर पड़ी। दीपिका मचल गई और अपनी माँ से कहा वो आम तोड़ेगी, पर टहनी काफ़ी ऊंची थी इसलिए उनकी माँ ने मना कर दिया। दीपिका नहीं मानी और जिद करने लगी। उन्होंने माँ से आंखें बचाकर एक पत्थर उठाया और सीधा निशाना साधा, आम टूटकर जमीन पर गिर गया। इसी घटना के बाद दीपिका के जीवन को एक नई राह मिली और तीरंदाजी में उनकी रुचि बढ़ती गई। दीपिका को लकड़ी के धनुष बाण से प्रैक्टिस करते देख उनकी चचेरी बहन काफ़ी प्रभावित हुई, जो पहले से ही एक तीरंदाज थी। शुरुआती दौर में दीपिका की बहन विद्या ने उन्हें प्रैक्टिस में काफ़ी मदद की। दीपिका के लिए पहला मौका साल 2005 में मिला, जब उन्हें झारखंड के अर्जुन तीरंदाजी संस्थान में एडमिशन मिला। यह संस्थान तत्कालीन CM अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा द्वारा चलाया जाता था। केवल एक साल की ट्रेनिंग में ही दीपिका एक नए खिलाड़ी से प्रोफेशनल प्लेयर में बदल गई। इसके बाद अगले साल उन्हें टाटा तीरंदाजी संस्थान जमशेदपुर में एडमिशन ले लिया, जहां उन्होंने हर सुविधा के साथ ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के दौरान दीपिका 3 साल में केवल एक बार घर गई, वो भी तब जब 2009 में उन्होंने कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीपिका को साल 2012 में भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। साल 2014 में वे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई। इस साल यानी 2016 में उन्हें केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। जब दीपिका को पद्मश्री अवार्ड मिलने की घोषणा हुई तब दीपिका ने कहा था अब मेरा लक्ष्य रियो ओलंपिक है। अंधेरों में चिराग जलाकर तो देखो, हवाओं का रुख अपने तूफान से बदल कर तो देखो। बेटी तुम अपनी ताकत पहचान के तो देखो, ये लोग, ये समाज, ये कुनबा, देखना फिर कारवा बन जाएगा। बस तुम अपनी ताकत पहचान के तो देखो।